खास के रूप में महिलाओं को देखा जाता है और खास तौर पर जो तमाम अब हम स्टार्टअप्स देखते हैं जिनकी अगुवाई महिलाएं करती हैं, क्या लगता है इन सत्रों में जिन सत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद तमाम उन महिलाओं को जो आगे आना चाहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 150 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, डेलीगेट्स आए हुए हैं, भारत एवं जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं या इनवाइटेड कंट्रीज हैं उन सभी जगहों सर से महिलाएं आई हुई हैं। ये चर्चा दो दिन चल रही है, कल की पूरी पांच जो सेशंस थी, प्रायोरिटी एरियाज थी, उन पर चर्चा हो चुकी है। अब प्रायोरिटी एरियाज जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रास रूट पर महिला लीडरशिप कैसे उभारी जाए, साथ ही डिजिटल डिवाइड कैसे बनाया, ब्रिज किया जाए, इसके अलावा स्टार्टअप या एंटरप्राइज में महिलाओं को आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत के लिए हम जानते हैं कि भारत लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये एक जो प्रयास है भारत का उसे काफी उस पर बल दे रहा है, तो उसके लिए भारत में महिला जो है या जो छोटी बच्चियां हैं वो कैसे चेंज मेकर्स हो सकती हैं क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान्स के लिए, उस पर भी चर्चा हुई है। और इसके साथ ही आज दो मेन सेशन होंगे जिस पर पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा वहां पर, और साथ ही अनकन्वेंशनल स्टोरीज ऐसी महिलाओं की जिन्होंने बहुत अलग काम किया है, बहुत प्रेरणादायक काम किया है, वो अपनी कहानियां सुनाएंगी। इसके अलावा पहले बता चुकी हैं कि सांस्कृतिक जो एक तरीके से रूबरू होने वाले जो पहलू है, हेरिटेज वॉक सुबह 6 बजे से किया गया और हम यहाँ पर हैं बीबी का मकबरा, औरंगाबाद का काफी, छत्रपति संभाजी नगर का काफी एक पॉपुलर जगह है ये, ताजमहल के रेप्लिका हम कहते हैं इसे, और यहाँ पर जो W20 के डेलीगेट्स आए हुए हैं वो अभी फिलहाल बीबी के मकबरा के यहाँ पर हैं और वो पूरी तरीके से इस जगह को देख रहे हैं, सोकिन कर रहे हैं। 1660 में ये बीबी का मकबरा बना और उसके बाद में औरंगजेब ने इस जगह को बनाया अपनी वाइफ के लिए, अपनी बीवी के लिए, और इस बीवी का मकबरा, ये बीवी जब हम कहते हैं तो कोई भी महिला को संबोधित किया जाता है और इसीलिए बीवी का मकबरा, क्योंकि यहाँ पर उनका टूम्ब है। इसके अलावा जब आज की पूरी सेशन, आज की चर्चाएं खत्म होंगी तो उसके बाद एलोरा जो यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज गुफाएं हैं वहां पर भी एक एक्सकर्शन होगा W20 डेलीगेट्स का, और साथ ही ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि दोनों दिन के चर्चा में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल यहाँ पर जरूर निकलेगा और रिकमेंडेशंस, क्योंकि जानते हैं हम जो W20 कम्युनिके है उसमें जाना है और साथ ही G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में भी जाने हैं इनके रिकमेंडेशंस, तो ये पहली मीटिंग है, इंसेप्शन मीटिंग है, ये टोन सेट करेगा अगले आने वाले मीटिंग्स में और पूरी उम्मीद की जा रही है यहाँ से कुछ ना कुछ ठोस जरूर निकलेगा। आंचल साथ ही साथ श्यामा, चूंकि आप बहुत ही ऐतिहासिक जो हमारी सांस्कृतिक विरासत मॉन्यूमेंट है उसके ठीक सामने आप खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही हैं इस वक्त श्यामा, लेकिन मेरा सवाल ये कि बीते वर्षों में और खासकर बीते 8-10 सालों की बात की जाए, जिस तरह से वुमेन लेड और वुमेन सेंट्रिक अप्रोच गवर्नमेंट का रहा है, क्या इस G20 और W20 मंच के जरिए भारत इसको शोकेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे वुमेन्स, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अब अपना झंडा बुलंद कर रही हैं। बिल्कुल असीम, अगर हम भारत की बात करें और भारत के पास में G20 की अध्यक्षता है तो भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर है पूरे विश्व को दिखाने का कि भारत किस तरीके से महिलाओं को वैल्यू करता है। अभी जब से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई है, मोदी गवर्नमेंट आए हुए हैं, उन्होंने काफी बल दिया है इस चीज के ऊपर कि सिर्फ बेनिफिशियरीज महिलाओं को नहीं बनाई जाए बल्कि महिलाओं को आगे, यानी कि विमेन लेड डेवलपमेंट किया जाए। हम पहले भी जानते हैं कि भारत की संस्कृति ही अर्धनारेश्वर से जानी जाती है, लेकिन कुछ सालों में जब हमारे ऊपर इन्वेजन हुआ या अलग अलग जो हुक्म हुए उसमें ये बात कहीं ना कहीं खो गई, लेकिन अब वो रिवाइव करने का समय आ चुका है और ये हो भी रहा है। कल हमने जब इनॉग्रल सेशन हुआ था वहां पर हमने देखा कि भारत में से कई सारे स्कीम्स बनाए गए हैं जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, उसका फायदा उठाया। ऐसी ही एक स्कीम है मुद्रा, मुद्रा में हम जानते हैं कि 230
मिलियन महिलाओं ने एंटरप्राइज किया है, इसका फायदा उठाया है जी। और इस नंबर से हम जान सकते हैं कि महिलाएं कितनी, उनके पास में कहानियां हैं, उनके पास में आइडियाज है अपने आप को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरे परिवार को सशक्त करती है। और W20 वही एक मंच है, क्योंकि विश्व भर में महिलाओं की समस्याएं बहुत सिमिलर हैं, एक जैसी ही होती हैं, तो ये वो मंच है जहां पर वो चर्चा कर सकती हैं किस चीजों पे चीजें आप करें तो किस तरीके से आप महिलाओं को एम्पावर कर सकते हैं। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो है कि उन्हें किस तरीके से आप आर्थिक तरीके से सशक्त कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर पूरी तरीके से चर्चा हो रही है। बिल्कुल, और जो वो हम आपके साथ जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वहाँ बोर्ड पर लिखा भी है कि कैसे इक्वालिटी, इक्विटी और डिग्निटी के साथ महिलाएं जो हैं अब आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा